अमेरिका से। बस अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ। और सुनाइए, कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? बस ठीक ही हैं। अरे क्या हुआ, इतनी धीरे क्यों बोल रही हैं? गीता, अब तुमसे मैं क्या छिपाऊँ, मेरे दोनों बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं। रात दिन मुझे यही चिंता खाई जा रही है कि उन्हें मैं वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से कैसे दूर रखूं। उस समय तो और लोगों की तरह हमें भी अधिक से अधिक पैसा कमाने का जुनून था, इसलिए हम लोग US चले गए। और अब बच्चों की आदतें देखकर कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही बताओ गीता, मैं क्या करूं? आपको याद है दीदी, जब मैंने इंजीनियरिंग पास की थी उस समय मुझे भी विदेश जाने का ऑफर मिला था, पर मैं नहीं गई। अरे अब तो IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद जैसे देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे विदेश के बेहतरीन ऑफर को ठुकरा कर अपनी प्रतिभा को देश सेवा में लगाना चाहते हैं। यहाँ भी उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है दीदी। यहाँ निर्धनता और शिक्षा जैसी समस्याओं के बीच भी रिश्तों में जो मिठास है वह मॉल मल्टीप्लेक्स की 5-स्टार संस्कृति में कहा। हाँ गीता, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। और बताओ दीदी, मेरी बेटी शांति कुंज हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। वहाँ बच्चों को आजीविका कमाना तो सिखाते ही हैं, साथ ही उनमें देश और पूरी मानव जाति के लिए कुछ करने का जज्बा भरा जाता है। वहाँ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। सच गीता, तुमने तो मुझे नई दिशा दिखा दी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वापस इंडिया लौट आऊंगी। मेरा मन है कि मेरे बच्चे भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़कर अपना जीवन सार्थक बनाए। सर दीदी, आप वापस आ जाएंगी? पर क्या जीजा जी मान जाएंगे? हाँ गीता, वो तो स्वयं बच्चों के लिए बहुत चिंतित हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, आओ चले। ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ने मुगलों से मेवाड़ की रक्षा के लिए असीम त्याग और शौर्य का परिचय दिया। मुगलों से युद्ध करते हुए उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वहां महाराणा और उनके परिवार को अनेकों कष्ट उठाने पड़े। महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी, मैं मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूंगा तब तक पत्तलों पर ही भोजन करूंगा और भूमि पर शयन करूंगा। एक दिन अरावली के जंगल में महाराणा प्रताप बहुत ही चिंतामग्न थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ को हर हाल में स्वतंत्र करा कर ही रहूंगा, किंतु हल्दी घाटी का युद्ध हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। हम राजसी बर्तनों में भोजन भी नहीं करते, कई बार हम लोग घास की रोटियां ही खा रहे हैं। पर धनाभाव के कारण मुगलों की विशाल सेना पर हम कैसे आक्रमण करें? मुट्ठी भर सैनिकों और थोड़े से शस्त्रों से यह कैसे संभव होगा? रात दिन मुझे यही चिंता खाए जा रही है। महाराज की जय हो। महाराज सेठ गामा साहब से मिलने आए हैं। जाओ उन्हें आदर से ही यहाँ ले आओ। जी महाराज।
महाराज महाराज उठो भामाशाह, कहो कैसे हो? महाराज मातृभूमि की रक्षा के लिए आप कितना कष्ट उठा रहे हैं। आपकी ये पीड़ा मुझे चैन नहीं लेने दे रही है। मुझे भी मातृभूमि की सेवा का अवसर दीजिए महाराज। मैं अपने जीवन भर की कमाई आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भामाशाह, मातृभूमि तुम जैसे सपूतों पर नाश करती है, तुम धन्य हो। इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और आने वाली कई पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा लेती रहेंगी। कहते हैं भामाशाह ने महाराणा को इतना धन दिया कि 25 वर्षों तक भी सेना के रखरखाव और खर्च में कोई कमी ना आने पाई। इस धन से महाराणा ने मुगल शासक पर आक्रमण करने की तैयारियां जोर शोर से आरंभ कर दी। आज युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युग परिवर्तन की इस बेला में, जब भारत पुनः जगत गुरु बनने जा रहा है, नए सिरे से इतिहास लिखा जा रहा है, आवाहन किया है उदार मना जागृत आत्माओं से कि वे आगे आएं, समय की विभीषिका को समझें, निज स्वार्थ को त्याग कर महाकाल के कार्य में हर संभव योगदान देकर इतिहास में अमर हो जाएं। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, तकदीर बना दो। हम ऋषियों के संतान।